Hello everyone. Today we are going to continue with our ninth chapter, that is force and laws of motion. Okay, so in our previous chapter we have already studied about the first law of motion, that is also called as law of inertia. ओके सो इनर्शिया में क्या हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना जो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, या तो रेस्ट की पोजीशन जो है वो बरकरार रखना चाहता है जब तक कि कोई यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट ना करे. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हियर टू एक्टिविटीज गिवन. द फर्स्ट वन इज जब हम कैरम बोर्ड में ये सारी जो ब्लैक और व्हाइट जो यहाँ पे गोटियां रहती हैं, कॉइन्स रहते हैं, ठीक है, तो जब हम स्ट्राइक करते हैं तो जो सबसे नीचे वाला रहता है, ये सारे ऑल दीज आर इन अ रेस्ट पोजीशन. ओके, तो जैसे ही नीचे वाले पे लगता है, दैट इज दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस फिंगर्स. ओके, तो जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स स्ट्राइक करता है तो नीचे वाला जो है वो मूव करके बाहर आता है और जो अपर वाले रहते हैं वो अपने जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको बरकरार करने के लिए उसी पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक धक्का लगता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स इन पर भी आता है और ये नीचे गिर जाते हैं. ठीक है, तो इनका स्टेट क्या था, स्ट्रेट है. नीचे वाला जैसे ही हटा तो ये क्या हो गई, गिर गई. ठीक है, then the next one is here. एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा है, उसके ऊपर एक कॉइन है. ठीक है, तो जैसे यहाँ फिंगर से इतना स्पीड यानी कि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगाना है कि ये क्या है, ये इसके ऊपर एक यहाँ पे रेस्ट ऑफ इनर्शिया है. ठीक है, इनर्शिया एक्ट कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया. सो ये अपने रेस्ट ऑफ जो रेस्ट पोजीशन है उसे बरकरार रखेगा. जैसे ये हटेगा ये कहाँ गिर जाएगा, ये तो इसी पोजीशन में था, ये सीधे कॉइन नीचे गिर जाएगा. सो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये हमारा जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसे प्रूव कर रहे हैं. नाउ द सेकंड टॉपिक इज इनर्शिया एंड मास. ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज गिव सो फार इलस्ट्रेट गिव. ठीक है, तो जो अभी तक दो एक्टिविटी वी हैव सीन, ठीक है, उन दोनों में क्या बताया गया, देयर इज अ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो जो भी चीजें हैं वो एक रेसिस्टेंस, एक अवरोध, एक रुकावट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहते हैं. इफ इट इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो मूविंग ही रहना चाहते हैं. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया. क्लियर, अब क्या सारे बॉडी के अंदर सेम इनर्शिया होती है, नहीं. एक खाली बॉक्स जो होता है, एम्प्टी बॉक्स होता है, ठीक है, वो हमें क्या करना, उसकी पोजीशन मूव करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन एक बॉक्स जिसके अंदर बुक्स फुल भरी हो, क्या हम उसे हटा सकते हैं जल्दी से, नहीं. ठीक है, एक फुटबॉल को किक करना काफी आसान है, लेकिन एक स्टोन को, उसी साइज का स्टोन है, थोड़ा छोटा भी स्टोन है, तो क्या हम उसको किक कर सकते हैं, नहीं, हमें खुद ही लग जाएगा. ठीक है, वी मे इन फैक्ट गेट इंजरी इन अवर फुट वाइल डूइंग सो. तो इससे हमें ही लग सकता है. अगर ये जो एक्टिविटी हमने की है रुपीज वाली, इसके बदले अगर 1 रुपी कॉइन होता तो हमें और भी कम फोर्स लगाना पड़ता है ना, फोर्स जस्ट इनफ टू कॉज ए स्मॉल कार्ड टू पिकअप. ठीक है, एक छोटे से कार्ड को पिकअप करने में जितनी वेलोसिटी लगती है, क्या उतने ही हमारे ट्रेन में भी लगती है, नहीं. ठीक है, तो दिस इज बिकॉज इन कंपेरिजन टू द कार्ड द ट्रेन हैज मच लार्जर टेंडेंसी टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन. अकॉर्डिंगली वी से दैट ट्रेन हैज मोर इनर्शिया. ठीक है, ट्रेन बड़ी है तो इनर्शिया भी बड़ा होगा, कार छोटी थी तो इनर्शिया छोटा होगा. क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, किससे मेजर किया जाता है, बाय इट्स मास. सो इनका बहुत बड़ा रिलेशन है, जब मास बड़ा है, सॉरी ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, तो उसका मास भी बड़ा होगा, यानी इनर्शिया भी बड़ा होगा. तो हम इनर्शिया किससे करेंगे,
इनर्शिया और मास को रिलेट कैसे करेंगे? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज, ठीक है। चेंज रेसिस्ट ना करने के लिए यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस जो है वो एक ऑब्जेक्ट का जो रेसिस्टेंस है वो इनर्शिया कहलाता है। ओके, सो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। तो जब तक वो अपनी टेंडेंसी यानी कि अपना जो मोशन है या रेस्ट पोजिशन चेंज ना करे, वो क्या किस पर डिपेंड करता है? मास पर, ठीक है। तो मास क्या है? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर। नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। सो जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेशन गेन करता है, ठीक है। सो नाउ वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड। अब जो एक्सेलरेशन है फोर्स अप्लाइड पे कैसे वर्क करता है या कैसे मेजर करता है वो अब हम देखेंगे। ओके, लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन। सो हम डेली लाइफ के कुछ ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। क्या अगर टेनिस बॉल जो हमें लगती है क्या उससे हम हर्ट होते हैं? नहीं होते। लेकिन उसी के बदले अगर क्रिकेट बॉल किसी दर्शक को ऑब्जर्वर को लगती है तो क्या होती है? उसे चोट लगता है? हाँ, बहुत तेज लगता है। अगर एक ट्रक खड़ी है, ठीक है, तो कोई उसे अटेंशन नहीं करता है, ठीक है, उससे हमें कोई डर नहीं होता है। लेकिन एक ट्रक जब 5 मीटर पर सेकेंड से भी चल रही हो, यानी बहुत ही स्लो स्पीड से भी चल रही हो, तो उससे भी एक इंसान मारा जा सकता है, ठीक है। अ स्मॉल मास सच एज बुलेट, एक बुलेट एक इंसान को मारने में कामयाब हो जाती है, ठीक है। सो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है इनसे हमने क्या सीखा कि मास और वेलोसिटी क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, तो किस पे इम्पैक्ट जो प्रोड्यूस होता है किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास बड़ा है तो भी नुकसान करा सकता है, और वेलोसिटी ज्यादा है और मास छोटा है तो भी यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, ओके। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए फोर्स ज्यादा देना होगा, ठीक है, टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। इन अदर वर्ड देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कम्बाइंस द ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी। सो ऐसा तो कुछ तो होगा, एक क्वांटिटी जो मास और वेलोसिटी को कम्बाइन कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को मोमेंटम कहा गया, जो कि न्यूटन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। द मोमेंटम दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। सो हेयर इट इज मोमेंटम, ओके, इट इज रिटन लाइक देयर, ओके, मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मोमेंटम। सो हियर इट इज न्यू वर्ड मोमेंटम। नाउ मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। एसआई यूनिट क्या होगा? मास का क्या होता है? केजी, और इसका होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट, हम यहां से ही इसकी यूनिट बना सकते हैं, ओके, हमें अलग से याद करके रखने की जरूरत नहीं है, ये याद है तो हम यूनिट बना सकते हैं। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स द चेंज इन अ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट अ फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स से भी मोमेंटम चेंज हो सकता है। लेट अस कंसिडर ए सिचुएशन इन विच अ कार विथ हर डेड बैटरीज टू बी पुश्ड अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू गिव अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। सो एक बिगड़ी हुई गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है और उसको इतना स्पीड लाया जा रहा है, विच इज सफिशियंट टू स्टार्ट इट्स इंजन, जिसकी वजह से उसके इंजन
आसान हो आसानी से स्टार्ट हो सकती है। इफ वन और टू पर्सन गिव अ सडन पुश टू इट, इट हार्डली स्टार्ट्स। ठीक है, सडन पुश यानी अचानक से सिर्फ धक्का देते हैं तो उससे क्या वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि वो स्टार्ट नहीं होती है। बट अ कंटिन्यूस पुश ओवर टाइम रिजल्ट इन द ग्रेजुअल एक्सेलेरेशन, लेकिन धीरे धीरे जब उसे पुश करके आगे बढ़ाते हैं तो उसको धीरे धीरे एक्सेलेरेशन मिलता है और वो स्पीड में आ जाती है। इट मीन्स दैट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड, सिर्फ जो मोमेंटम है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कितनी क्वांटिटी ही फोर्स उसमें अंदर है सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड, तो कितने देर में कितना फोर्स एक्सर्ट किया है उस पर भी डिपेंड करती है। इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट, सो ये भी कंक्लूड किया गया है कि फोर्स नेसेसरी टू फॉर द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स टाइम रेट, तो टाइम रेट पर भी डिपेंड करता है एट विच मोमेंटम इज चेंज। सो अवर सेकेंड लॉ क्या कहता है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यानी कि कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस, जितना अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जा रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे कितने टाइम में लगाया जा रहा है उतना ही हमें मोमेंटम मिलेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, नाउ मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सो हेयर वी आर गोइंग टू सी द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। सपोज एक ऑब्जेक्ट है विथ मास m, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम t है, ठीक है, जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा वो होगा एफ थ्रू आउट द टाइम टी, ठीक है, तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम भी होगा, ठीक है, तो क्योंकि एम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक, पी इज इक्वल टू एम वी, सो मोमेंटम ये होता है, तो अगर ये वी वन होगा तो ये भी पी वन होगा, पी टू होगा तो ये पी टू होगा, इसी तरह इनिशियल के लिए पी वन आया है एंड फाइनल के लिए पी टू आया है, सो चेंज इन मोमेंटम क्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू माइनस पी वन, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तभी तो चेंज इन मोमेंटम हुआ, मोमेंटम यानी ये सिर्फ इतना, ठीक, चेंज इन मोमेंटम यानी पी टू माइनस पी वन, सो पी टू ये था, पी वन ये था, ठीक, कॉमन कर दिया, वी हैव रिटन हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां रेट आएगा वहां टी एड हो जाएगा, ठीक है, सो इतना जो चेंज हुआ है वो कितने टाइम में हुआ, क्लियर। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, सो अकॉर्डिंग टू अवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सो हेयर इसके बदले आ जाएगा एफ, ठीक है, ये एफ के बराबर है, तो ये यहां आ गया, सो जब हमें पता है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, ठीक है, सो इसके बदले जो है हमने ए पुट अप किया यहाँ पर, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, इसलिए जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो यहाँ इक्वल साइन आ गया और ये कांस्टेंट के आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो जब भी जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा वहां ये कांस्टेंट वैल्यू आ ही जाएगा, क्लियर। नाउ विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, द क्वांटिटी के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अब इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर केजी एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो इसका आएगा केजी, इसका आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ये हो गया केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, सो वन यूनिट फोर्स किसके बराबर होगा, जब एक केजी मास होगा और एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा, दस द वैल्यू ऑफ के बिकम्स वन, तो वैल्यू यहाँ पे के क्या बन जाएगी, सब वन वन रहेगा, सो जब ये वन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक, तो यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, तो इसे
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका हम यूनिट लिख सकते हैं और न्यूटन भी लिख सकते हैं जिसका सिंबल कैपिटल एन है। सो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो फोर्स क्या है, हमें सेकंड लॉ ने क्या बताया, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन द एक्शन इन अवर एवरीडे लाइफ। सो हम अपने एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है, कैसे, हैव यू नोटिस दैट व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड, ठीक है, तो जैसे ही ये बॉल आता है ये कैच करके ऐसे यहीं नहीं रखता है, ये हाथ थोड़ा पीछे ले जाता है ताकि उसके मोमेंटम को स्लो कर सके, अचानक से सिर्फ रोक लेंगे तो क्या होता है, चोट लग जाती है। सो यहां से लेके वो हाथ पीछे ले जाता है या नीचे ले जाता है जिससे कि उसका मोमेंटम कम हो जाए। By doing so, the fielder increases the time duration with the high velocity of the moving ball decreases to zero. So, जिससे कि time duration बढ़ता है और velocity zero हो जाती है. Thus, the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball also reduces. So, उसका जो impact होने वाला होता है वो reduce हो जाता है और चोट हाथ में कम लगती है, ठीक है। द बॉल इज स्टॉप सडनली, अगर सडनली तो उसकी जो वेलोसिटी वो डिक्रीज नहीं हो पाएगी जीरो तक, ठीक है, एट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल विल बी लार्ज। सो यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा होगा जिसकी वजह से क्या हो सकती है, उसे चोट लग सकती है। देयरफॉर अ लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच दैट मे हर्ट द पाम ऑफ द फील्डर। In a high jump athletic event, the athletes are made to fall either on a cushion bed. जब एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, ओलंपिक्स में जब कुशन बेड में उनको जम्प करने दिया जाता है या सैंड बेड में, क्यों, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट्स फॉल टू स्टॉप, ठीक है, जिससे कि उनका जो गिरने का टाइम रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, मेकिंग द जम्प। दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिससे कि मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ कम हो जाता है और जिसकी वजह से जो फोर्स है वो कम हो जाता है और जो एथलीट्स हैं उन्हें चोट नहीं लगती है, वरना बहुत तेज चोट लगे। ट्राई टू पॉन्डर हाउ, जैसे हम कभी कभी अचानक से जब हम गिरते हैं लगती है तो बहुत तेज लगती है ना, तो वो क्या होता है, सडन जो होता है, सडनली गिरते हैं, सडनली लग जाता है, तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो है वो क्या होता है, कम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, हाथ पैर भी टूट जाते हैं। ट्राई टू पॉन्डर हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इज अवर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके, F इज इक्वल टू एम ए, दिस ये यहां शिफ्ट होगा तो ये इस तरीके का भी बन जाएगा। सो दैट इज व्हेन, जब F जीरो होगा, ठीक है, तो V और U बराबर हो जाएंगे फॉर वॉट एवर टाइम इट इज टेकन। तो टाइम कितना भी हो, U और V क्या हो जाएंगे, दे विल बी इक्वलाइज। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी U throughout the time t. If U is zero, then V will also be zero. अगर ये U zero हो जाएगा तो V भी zero हो जाएगा. That is the object will remain at rest. इसका मतलब object जो है वो rest में ही रहेगा. Now example 9.1. Here a constant force acts on an object of mass 5 kg. So here mass is given 5 kg. Okay. Now, for a duration of 2 seconds. So time is 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 m/s to 7 m/s. Okay. So V हो गया 7 m/s and U हो गया 3 m/s. ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जब हम स्टार्टिंग जीरो से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जीरो से नहीं दिया है, हमें 3 m/s से दिया है, तो हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी इतनी है और फाइनल इतनी गई है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, सो वी हैव टू फाइंड द फोर्स, ठीक है।
सो यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करना है. सो हमारा फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए. देन ए क्या है, V माइनस यू बाय टी. एम है 5 इन टू, ये कितना है, V 7 माइनस 3 बाय टी कितना है, 2 सेकेंड. ठीक है, ये हो गया 5 इंटू 4 बाय 2 10 न्यूटन. ओके, ना इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड. ठीक है, अगर फोर्स जो है वो 5 सेकेंड के लिए अप्लाइड किया गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी चेंज है. ठीक, तो अगेन वी हैव टू, ठीक है, सो ये वापस से यूज करना है. एफ तो हमें मिल गया 10 न्यूटन, सिर्फ कितना टाइम यहाँ कितना चेंज किया है, टाइम चेंज किया है फॉर 5 सेकेंड. ठीक, तो अब फाइनल वेलोसिटी पूछा है. सेकेंड के लिए ये जो फर्स्ट था, ठीक है, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड के लिए क्या बोला गया है कि टी अगर 5 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, फोर्स हमारा 10 न्यूटन आ चुका है. ठीक है, यू को नहीं बोला है उसने चेंज करने के लिए. ठीक है, मास 5 kg ही है और क्या बोला है, अब हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी. अगर फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी. अगेन फॉर्मूला वही, एम ए इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाय टी. ठीक है, ये इधर शिफ्ट होगा, एफ इंटू टी बाय एम वी, यही रहेगा, यू इस तरफ आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस यू इज इक्वल टू वी. ठीक है, एफ इंटू टी बाय एम प्लस यू बाय वी, तो जैसे बुक में लिखा है उस हिसाब से ये आ जाएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी बाय एम. नाउ पुट द वैल्यूज, यू की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू 10 है, टी है 5 और एम है कितना, एम है 5 kg. ठीक है, 13 मीटर पर सेकेंड. क्लियर, सो दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, एक्सलेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो किसको एक्सलेट करने में ज्यादा टाइम फोर्स लगेगा, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सलेशन. तो पहले फोर्स के लिए आएगा एफ वन इज इक्वल टू एम वन इंटू ए वन, सेकेंड के लिए एफ टू इज इक्वल टू एम टू इंटू ए टू. ठीक है, जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट वन के लिए 10 न्यूटन आएगा, सेकेंड के लिए 8 न्यूटन, देखने से ही पता चल रहा है. ठीक है, कि किसके लिए ज्यादा लगेगा, दैट्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स. तो यहाँ किसको ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है. क्लियर, नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल 9.3. ओके, सो हियर क्या दिया है, अ मोटर कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है. सो यू कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर. सो हमें क्या चाहिए, मीटर पर सेकेंड. तो 108 किलोमीटर है, इसको चेंज करो, ये 1000 आ जाएगा, 1000. ठीक है, मीटर, तो ये मीटर में आ गया. ठीक है, अब ये जो आर है इसको चेंज करने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकेंड. ठीक है, ठीक है,
नाउ फिर दिया गया है एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप, रुकने में 4 सेकंड उसे लगता है। ठीक है, तो टाइम क्या है हमारा 4 सेकंड, 4 सेकंड हमें टाइम दिया है। अब ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, फोर्स आएगा वो नेगेटिव में, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ब्रेक अप्लाई किया यानी कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो होता है दैट इज वी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जो भी गाड़ी है वो क्या हो रही है, रुक रही है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल 30 आ गया, फाइनल 0 हो गया, टी 4 सेकेंड आ गया। ठीक है, व्हाट इज द मास, मास हमें दिया है 1000 kg। ठीक है, 1000 kg, 100 किलोमीटर, 4 टाइम्स सेकेंड। ठीक है, टाइम इज 4 सेकेंड। सो ये हमारी वैल्यूज आ गई। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स एग्जर्टेड, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 1000 इंटू वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, 1000 इंटू वी 0 माइनस 30 बाय 4। ठीक, अब 1000 इंटू ये क्या आ जाएगा, माइनस 30, क्योंकि माइनस साइन कहीं नहीं जाएगी, ये आ जाएगा 4। ठीक है, जब हम इसे डायरेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 30000 बाय 4, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -75000 न्यूटन। क्लियर है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्रेक्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस गाड़ी में आगे चल रही थी ना, तो ये मोशन है डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन ब्रेक्स अप्लाई करने पे वो रुक गई, तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हुआ, इसलिए ये न्यूटन जो फोर्स है वो अपोजिट में आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज 9.4। अब यहाँ पे दिया है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास ऑफ m1 एक्सेलेरेशन 10। सो f1 क्या है, f1 दिया है 5 न्यूटन। ठीक है, और एक्सेलेरेशन दिया है 10 a1, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर f2 दिया है 2 एक्सेलेरेशन a2 दिया हुआ है, a2 दिया है हमें 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा है व्हाट एक्सेलेरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइट टुगेदर, अगर दोनों जो मास हैं वो एक साथ बांध दिए जाते हैं तो हमें क्या एक्सेलेरेशन मिलेगा। ठीक, तो पहले हमें निकालना है मास निकालना है। ठीक है, सो m1 f तो f एक ही दिया है इसलिए यही रहेगा। ठीक है, ये एग्जांपल है 9.4, f ये दिया है, a1 a2 चेंज दिया है, तो m क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू क्या होता है, f इज इक्वल टू एम ए, तो m इज इक्वल टू f बाय ए, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू f बाय a1, तो f कितना है हमारा 5 न्यूटन है, एक्सेलेरेशन है 10। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 0.50 kg। इन द सेम मैनर m2 के लिए f तो सेम है, a2 तो ये 5 बाय कितना है 20, ये आ जाएगा 0.25 kg। नाउ दब दोनों मास को टाई कर दिया जाएगा, टाई मतलब बांधा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0.50 प्लस 0.25, तो क्या आ जाएगा 0.75 kg। तो जब दोनों मास को बांधा जाएगा तो ये इसका एक्सेलेरेशन क्या आएगा, एफ तो वही है, तो अब एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन फाइनल में क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, एफ 5 kg था, ये आ जाएगा 0.75 kg। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ
9.5. It is also easy. Read and do it yourself.